भैया शालू तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। कब तक जाने का इरादा है? जब तक काम पूरा ना हो जाए। देखो ना, सारा दिन तो पिकनिक में तुम लोगों के साथ फंसा रहा, अब ये कागजात इतने जरूरी है, अगर सुबह तक नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। भैया अगर मेरी भाभी होती तो ये कागज हटा कर तुम्हें हुक्म देती कि चलो चलकर सो जाओ, सवेरे जल्दी उठना है, और तुम झट से जाकर रजाई में दुबक जाती। अच्छा। और अगर हमारी माँ होती तो तुम्हें समझाती कि बेटा अगर एक अनजान लड़की ने तुम्हें धोखा दिया और शादी के वक्त पर भाग गई तो तुम क्यों सन्यासी बनवासी बने जा रहे हो? अरे पगली, मैं कहाँ सन्यासी वन्यासी बने जा रहा हूँ, ये तो शुक्र करो कि लड़की शादी से पहले भाग गई, अगर शादी के बाद भाग जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहता। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी सहेलियाँ कैसे लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आशा, कुमुद, रेखा, जिसका भी नाम लो उसी से चट मंगनी पट ब्याह। चालू, जो तुम्हारे भैया की जीवन संगनी बन सके वो इनमें से कोई नहीं। तो फिर वो कौन है? जो भी हो मैं उसे मना लूंगी, पिताजी का अरमान पूरा हो जाएगा, मुझे मेरी भाभी मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। कौन है वो बताओ ना भैया, तुम्हें मेरी कसम। उसका नाम है पूनम। पूनम? शेखर भैया की विधवा, एक बच्चे की माँ? क्या तुम पागल हो गए हो, या दुनिया भर की कुंवारी लड़कियां मर चुकी हैं जो तुमने ऐसा सोचा, या फिर विधवा वेश की आड़ में पूनम ही तुम पर डोरे डालती रही है? शालू, शालू ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मेरी बहन कीचड़ और गंगा जल में फर्क नहीं समझ सकती। तुम जा सकती हो। आपने मुझे बुलाया बाबू जी? हाँ बेटी, इंश्योरेंस की पॉलिसी के कागजात। पॉलिसी के कागजात? शेखर की लाख रुपए की पॉलिसी तुम लोगों के पुराने पते से लौट कर आई है, ये जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ दस्तखत कर दो। मैं दस्तखत कर दूँ? हाँ, तुम्हारे नाम तो है। तो क्या हुआ, आप उनके पिताजी हैं, आप ही दस्तखत कर दीजिए। बेटी सरकारी मामला तो ये सब नहीं चलता। लेकिन वो बात ये है बाबूजी की, मैं जानता हूँ बेटी तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन दस्तखत तुम्हें ही करने होंगे। लो दस्तखत करके ड्राइवर के हाथों कमल के पास भेज दो, उसकी वहां जान पहचान है, काम जल्दी हो जाएगा। लो। जानती हो उसका नतीजा क्या होगा? ये। डरो मत मधु, मुझे कोई नहीं पहचानता, अब तुम ही पूनम, तुम ही इस घर की बहू, और ये तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी है जो तुम्हें निभानी पड़ेगी। याद रखो मधु, तुमने मुझे वचन दिया था, तुमने मुझे वचन दिया था, तुमने मुझे वचन दिया था। ये बात हुई ना मधु, सॉरी पूनम, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो दाव आज तुमने मारा है उसमें भी आधा हिस्सा मेरा है। तोड़ दे मजबूरियों के बंधन, तेरी मंजिल तेरे देवता के चरणों में ही है, मैं सब कुछ सच सच बता दे मधु, और कर ले अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला। कहाँ जा रहा है? जी बाबूजी, ये कागज कागज दिए हैं बिग पीजी ने, जाके रियाल को देख के आता हूँ। हाँ हाँ, इंश्योरेंस के होंगे। क्या देखो तो बहू ने ठीक जगह दफा किया है नहीं।
मेरे सपनों के देवता, आज मैं आपके सामने अपनी मजबूरियों के बंधन तोड़ने का साहस कर रही हूँ। आज मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। आप मुझे पूनम समझते हैं, लेकिन मैं पूनम नहीं, माधवी हूँ। वही माधवी जिसने आपके जीवन में जहर घोल दिया था। मेरी सबसे बड़ी भूल थी जब मैं ब्याह मंडप से भाग गई थी। खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं लगी है। क्या बात है, आपने सवेरे भी कुछ नहीं खाया। इच्छा ना थी। कुछ और बना दो। नहीं, मैंने फैसला किया जब तक मैं जिंदा हूँ अपने लिए किसी और को तकलीफ ना दूँ। जाओ तुम आराम करो। ये आप क्या कह रहे हैं, आपकी सेवा करने मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, खुशी होती है। आइए कुछ खा लीजिए, आइए ना, आइए बैठिए। बूढ़ा आदमी उस पुरानी दीवार की तरह है जिससे सब कुछ बचकर चलना चाहिए। हमें तो इसी दीवार का सहारा है बाबूजी। आपको मेरी कसम, जिद न कीजिए, खाइए ना बाबूजी। अरे वाह चाचा जी, भाभी तो आपको बच्चों की तरह खाना खिला रही है। मुझे भूख तो नहीं थी मगर जबरदस्ती खिला रही है। चाचा जी, आपके इंश्योरेंस के कागजात आ गए हैं, उन्होंने एक नया फॉर्म दिया, इस पर आपको साइन करना होगा। जी हाँ, इनकी सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहता है कहीं पैसा गलत आदमी को ना मिल जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी अक्सर रुपया गलत आदमी ही ले जाते हैं। मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, हम चाय में नहीं पियेंगे, हम तो आपको लेने आए हैं। मुझे? हाँ, आज गांव वालों की बस्ती में होली का त्योहार है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा। शालू की सहेलियां आ रही है, उनकी जिद है, तुम्हें भी आना होगा। लेकिन मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों नहीं भाभी? शालू, मैं तुम्हें ठीक कहा था ना, ये इनकार कर देंगे। नहीं, ये बात नहीं है, बाबूजी घर में अकेले हैं। और फिर ओ चाचा जी, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग कल चले जाएंगे, भेज दीजिए ना भाभी को। मैंने कब रोका है, ये घर की बहू है, अपनी मर्जी की मालिक, जहाँ जाना चाहे जाए। ओ थैंक यू चाचा जी, आइए भाभी जल्दी से तैयार हो जाए। ये क्या किया आपने? इसे मिटा दो। की ये तो भगवान के संकेत है पूनम, अनजाने में जो गुलाल तुम्हारी मांग में भर गया है वो हमेशा हमेशा के लिए सिंदूर बनकर चमकता रहेगा। सोए नहीं? जब घर की जवान बहू बाहर रंगरलियां बनाती फिरे तो बूढ़े ससुर को नींद कैसे आ सकती है। बाबूजी, कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी जिंदगी को रंगीनियों से भरने पर तुली हुई हो। ये आप क्या कह रहे हैं, उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती रंग डाला, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। न जाती तो विधवा की मांग में भरा हुआ गुलाल सिंदूर बनकर कैसे चमकता। बाबूजी, आज आप अपनी बहू की कौन सी परीक्षा लेना चाहते हैं? मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूँ। मेरी असलियत तो मेरा नसीब है, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया है। और अब उसी नसीब को बनाने के लिए कमल का सहारा लेना चाहती हो? ये क्या? हाँ, तुम्हारा राज, तुम्हारा धोखा, तुम्हारा फरेब, माधवी मैं तुम्हें देवी समझता था, बहू मानकर तुम्हें प्यार से अपनाया था, अपने बुढ़ापे का सहारा माना, बच्चे की जिंदगी तुम्हारे हवाले करती, इस घर की मान मर्यादा दौलत इज्जत सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया, और तुमने
तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? बोलो क्यों किया? तुम्हें दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, जागीर चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्या चाहिए? होली मुबारक। तुम यहाँ रहने तो मत, अब यहाँ रोशनी ना हो सकेगी। मैंने आते ही बिजली के सारे तार खींच दिए थे। बदमाश, इन आंखों ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों को तबाह किया है। आज मैं इन आंखों को हमेशा के लिए बंद कर दूं। मधु, हमेशा के लिए। कैलाश, उस कमीने की इतनी हिम्मत, मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं बाबूजी, घर के पास घर में ही रहने दीजिए। बीवी जी, बीवी जी, मुन्ना चौक के जाल पड़ा, चुप भी नहीं हो गए। पप्पू, मेरे लाल। नहीं नहीं, चलो सो जाओ। नहीं रोते, नहीं रोते, सो जाओ। नहीं,